सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। तो ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि मलेशिया का जो लीड इन फाइटर ट्रेनर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाला टेंडर है, तो इसमें HAL ने अपने LCA तेजस MK1A फाइटर के साथ मलेशियन एयरफोर्स के सुखोई फाइटर्स की फ्लीट का मेंटेनेंस वाला प्रस्ताव देकर पूरा गेम ही बदल के रख दिया है, और जिसके चलते अब LCA तेजस मलेशिया की टॉप चॉइसेस में आ चुका है। तो आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि मलेशिया के इस प्रोग्राम में एक्चुअल में कितने एयरक्राफ्ट की जरूरत है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स अभी करंटली इसमें कॉम्पीट कर रहे हैं, और आखिर क्यों भारत का LCA तेजस मलेशियन एयरफोर्स के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत हुई पिछले साल यानी कि जून 2021 से, जब मलेशिया के रक्षा मंत्रालय ने रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और फाइटर लीड इन ट्रेनर प्रोग्राम के नाम से एक टेंडर लॉन्च करने की अनाउंसमेंट करी। और ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के कैपेबिलिटी 55 प्लान का हिस्सा है, जिसे एक्चुअल में 2018 में लॉन्च किया गया था। और इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए टोटल 36 LCA फाइटर लीड इन ट्रेनर प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। लेकिन जो ये 36 एयरक्राफ्ट की खरीद है, ये दो फेसेस में होगी। इसके पहले फेस में 18 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे और दोनों फेसेस को इक्वल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि पहले फेस में 18 और फिर दूसरे फेस में 18। और पहला फेस 2021 में टेंडर के अनाउंसमेंट के साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जबकि दूसरा फेस 2025 से स्टार्ट होगा। और इस तरीके से रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के पास टोटल 36 एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें से एक स्क्वाड्रन लीड इन फाइटर ट्रेनर की होगी और दो स्क्वाड्रन होंगी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। अब जो पहला फेज है उसमें टोटल 18 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे, जिनमें से जो 8 एयरक्राफ्ट हैं वो लीड इन फाइटर ट्रेनिंग वाले कॉन्फ़िगरेशन में हैं, और जो बाकी के 10 हैं वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन में। और इसमें से लीड इन फाइटर ट्रेनिंग वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए HAL ने अपने LCA लिफ्ट का प्रस्ताव दिया है, तो वहीं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के लिए HAL ने अपने तेजस MK1A फाइटर को पिच किया है। हालांकि जब इस टेंडर की अनाउंसमेंट की गई थी, तब उस समय कई अलग अलग कॉम्पिटिटर्स देखने को मिले थे, और जिसमें से एक कॉम्पिटिटर हम सभी का चाहे था 10th जनरेशन कम स्पेसशिप जंक फाइटर 17 यानी कि JF-17 भी था। लेकिन फिर पता नहीं क्यों जंक फाइटर 17 अपने आप ही इस प्रोग्राम से बाहर हो गया, और जबकि शुरुआत में तो JF-17 को इस टेंडर के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से JF-17 को बाहर जाना पड़ा, तो उसके बारे में कोई भी कारण तो नहीं बताया गया। या तो एक कारण ये हो सकता है कि 10th जनरेशन कम स्पेसशिप को केवल पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ही ऑपरेट कर सकती है, तो उन्हें लगा होगा कि मलेशिया कहाँ ऑपरेट कर पाएगा, तो वे खुद ही बाहर आ गए। पर खैर जोक सपाट, लेकिन हाल ही के कुछ समय में ऐसे इवेंट्स देखने को मिले हैं जहाँ पे LCA तेजस अगर कॉम्पीट कर रहा है, तो फिर पता नहीं क्यों JF-17 अपने आप को उस प्रोग्राम से बाहर कर लेता है। जैसे कि सिंगापुर एयर शो के दौरान भी हुआ था कि LCA तेजस ने इस एयर शो के फ्लाइंग डिस्प्ले में हिस्सा लिया था, जबकि इससे पहले JF-17 भी इसमें हिस्सा लेने वाला था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों बिना कोई कारण बताए JF-17 ने इसमें पार्ट नहीं लिया। उसी तरीके से दुबई एयर शो के दौरान भी यही सेम चीज देखने को मिली थी। पर खैर कारण जो भी रहा हो, लेकिन बात यह है कि JF-17 अब मलेशिया के स्टैंडर्ड में कॉम्पीट नहीं कर रहा है, और अब अभी के समय के जो इसमें कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उनमें LCA तेजस MK1A के अलावा कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का FA-50 गोल्डन ईगल मल्टीरोल जेट है, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का हर्जेट एयरक्राफ्ट, इटालियन फर्म लियोनार्डो का अर्माकी M346 मास्टर, और चाइना की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का हंगडू L-15 फैल्कन, जो कि हंगडू JL-10 के नाम से भी जाना जाता है। और इन सबके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि रशिया ने इस टेंडर में अपने MiG-35 को भी पिच किया है। हालांकि रशिया की तरफ से MiG-35 को इस प्रोग्राम में पिच क्यों किया गया है और क्या सोच के किया गया है, इस पर तो खैर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। पर खैर MiG-35 को अगर काउंट करते हैं, तो अभी के समय मलेशिया के इस टेंडर में टोटल 6 कॉम्पिटिटर्स हैं। इस टेंडर के साथ मलेशिया के कुछ खास रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे कि वो जिस भी एयरक्राफ्ट को लेंगे तो उसमें उनका भी कुछ लोकल कंटेंट इस्तेमाल होना चाहिए, और एयरक्राफ्ट की करीब 30% तक की मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में ही होनी चाहिए। इसके अलावा मीडिया रिफ्यूलिंग, बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटीज, सुपरसोनिक फ्लाइंग कैपेबिलिटीज, तो ये सारी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर की कुछ मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। और जैसे कि HAL के चेयरमैन ने अभी हाल ही में कहा था कि हमारा जो LCA तेजस MK1A फाइटर है, वो टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स के मामले में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में सक्षम है, और इनमें वाली रिक्वायरमेंट्स भी इंक्लूड की गई हैं जो इस कंपटीशन में शामिल बाकी के कॉम्पिटिटर्स पूरी नहीं कर सकते हैं। और मलेशियन एयरफोर्स के इस पूरे टेंडर में एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है प्राइस का। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि मलेशिया को टेक्नोलॉजी वाइज एक एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए और उनके बजट में आना चाहिए। हाँ, अगर इस कॉम्पिटिशन में JF-17 कॉम्पीट कर रहा होता, तो निश्चित रूप से कॉस्ट के मामले में भले ही वो सबसे आगे रहता, लेकिन टेक्नोलॉजीज के मामले में नहीं। और बाकी अभी के समय जो इसमें कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, तो इस मामले में LCA तेजस सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मलेशियन एयरफोर्स के लिए साबित होगा।
और अब बात करते हैं कि एलसीए तेजस MK1 फाइटर्स में से क्या खासियतें हैं जो तेजस को मलेशिया के लिए सबसे बेस्ट चॉइस बनाता है, और इस बारे में बात करेंगे डिफेंस मैट्रिक्स। और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्हें इनके बारे में ना पता हो। थैंक यू स्क्वाड। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो पूरा कंपटीशन है ये डिफेंस स्क्वाड द्वारा समझाया गया, और ये भी बताया गया कि कैसे जो HAL चीफ हैं उनका ये मानना है कि जो HAL तेजस है वो मलेशिया के लिए एक आइडियल चॉइस है, क्योंकि ये उनकी सारे रिक्वायरमेंट भी पूरी करता है, और HAL द्वारा मलेशियन गवर्नमेंट के जितने भी कंडीशंस हैं इस प्रोग्राम के प्रोक्योरमेंट को लेकर वो भी मानी जा रही हैं, और जो सारे इंतज़ाम हैं वो पहले से कर लिए गए हैं। यहाँ पर एक ही फैक्टर LCA तेजस के अगेंस्ट जा सकता है और वो मलेशिया की पॉलिटिक्स है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे टेक्निकलिटी और कैसे LCA तेजस जो है वो एज रखता है अपने कॉम्पिटिटर्स पर जो इसके अगेंस्ट में कम्पीट कर रहे हैं। तो मलेशिया के LCA प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम में कौन कौन से एयरक्राफ्ट पार्ट ले रहे हैं इसको डिफेंस स्क्वाड द्वारा पहले ही समझा दिया गया। अब हम इस लिस्ट को नैरो डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल कॉम्पिटिशन किन प्लेटफॉर्म्स के बीच में है। तो MiG-35 जो है वो यहाँ पर आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर दिखाई देगा, और इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी का ही एयरक्राफ्ट है, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एक मीडियम कैटेगरी का फाइटर है, इसलिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये यहाँ से पहले ही हट जाता है। अब बात करते हैं टर्की के हरजेट की। तो टर्किश हरजेट जो है वो सही मामले में एक लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, पर यहाँ पर परेशानी ये है कि इस एयरक्राफ्ट ने अभी तक अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट नहीं करी है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट अभी तक पेपर पर ही है, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट के लिए जो प्रोटोटाइप है उसको बनाया जा रहा है, और फर्स्ट फ्लाइट होने के बाद एयरक्राफ्ट को प्रॉपरली सर्विस में आने में कम से कम 5 साल लगते हैं, और यहाँ पर ये पीरियड जो है वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है। 5 साल हम बहुत कम समय लेकर चल रहे हैं। तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी कि यहाँ पर पार्टनरशिप भी ऑफर करी गई थी, लेकिन खाली अगर आपकी रिक्वायरमेंट 18 या फिर 36 एयरक्राफ्ट की फ्यूचर में पड़ती है तो उसके लिए एक प्रोग्राम में पार्टनर बनना और उसके फ़ायदे नुकसान में हिस्सेदार बनना सेंस नहीं बनाता है, तो हरजेट की भी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर कम हो जाती है। बाकी बात करें चाइनीज़ फाइटर की, जिसमें L-15 और JF-17 शामिल है, तो LCA प्रोग्राम के अंतर्गत एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने के पीछे जो बड़ा रीज़न है वो चाइना ही है, और रेगुलर चाइनीज़ इंकर्शन के खिलाफ ही अपनी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो मलेशिया द्वारा बढ़ाई जा रही है। तो चाइना के अगेंस्ट में ही चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को लेना कहीं से भी सेंस नहीं बनाता है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होने वाला है। तो यहाँ पर इन दोनों चाइनीज़ फाइटर के भी चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। बाकी बात रही इटालियन अलिनिया M-346 मास्टर एयरक्राफ्ट की, तो ये एक्चुअली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, एडवांस जेट ट्रेनर कहा जा सकता है पर लीड इन फ्लाइट ट्रेनर नहीं कहा जा सकता। ये सबसोनिक एयरक्राफ्ट है और प्रॉपर एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। तो चीज़ें जो हैं वो नैरो डाउन होकर दो ही एयरक्राफ्ट पर आती हैं, पहला LCA तेजस है, दूसरा कोरियन FA-50 है, और यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो प्रॉपर है। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट दिखने में काफ़ी अलग हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली इनमें काफ़ी सिमिलरिटी है, जैसे कि दोनों में जो इंजन है वो सेम ही है, दोनों जनरल इलेक्ट्रिक के F-404 इंजन को यूज़ करते हैं। डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो LCA तेजस में इंजन लगा है, यानी कि जो IN-20 वर्जन लगा है, ये हाईएस्ट थ्रस्ट वाला वेरियंट है सेम इंजन का, और यहाँ पर ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो LCA तेजस है वो एक डेल्टा विंग डिज़ाइन है, यानी कि विंग एरिया जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, ड्रैग ज़्यादा है, तो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर ज़्यादा है। और एक्चुअली इन इंजन को यूज़ करना दोनों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मलेशियन एयरफोर्स जो कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के नाम से जानी जाती है वो अपनी सर्विस में लेगेसी हॉर्नेट्स, यानी कि जो पुराने F-18 हॉर्नेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जिनमें सेम इंजन लगे हुए हैं, तो कॉमनैलिटी होने की वजह से मलेशिया को इन इंजन के साथ अडेप्ट करने में परेशानी नहीं आएगी। दूसरी कॉमनैलिटी की बात करें तो जो कोरियन FA-50 है और LCA तेजस है ये सेम ही रडार को यूज़ करते हैं, यहाँ पर इजरायली ELTA-2032 मल्टी मोड रडार जो है वो यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, और ये कैच ये है कि जो LCA तेजस इंडिया द्वारा ऑफर किया जा रहा है मलेशिया को वो Mach-1A पर बेस्ड है, और वहाँ पर आपको उत्तम AESA रडार मिल जाता है। AESA मतलब एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार, और AESA होने की वजह से इसको जैम करना मुश्किल है, और आजकल के जैमिंग एनवायरनमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। बात करें FA-50 की, तो इनके द्वारा भी AESA रडार जो है वो बनाया जा रहा है, पर हमारा जो रडार है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेज पर है और एयरक्राफ्ट से खुद ही टेस्ट किया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रॉपर एज जो है वो LCA तेजस को FA-50 पर है टेक्निकली भी। बाकी एक और जो एज है वो एयर टू एयर रिफिलिंग को लेकर है। LCA तेजस जो है वो प्रोब और ड्रोग अरेंजमेंट के साथ एयर टू एयर रिफिलिंग कराने में सक्षम है, जो कि सेम अरेंजमेंट
मलेशिया के दूसरे फाइटर भी फॉलो करते हैं, चाहे आप Su-30 MKM को ले लें, चाहे आप लेगेसी हॉर्नेट्स को ले लें, चाहे आप रिटायर्ड MiG-29 को ले लें, चाहे आप उनके Hawk 200 को ही क्यों ना ले लें। और ये जो प्रोबर्ड रोक अरेंजमेंट है ये अभी भी LC-13 के साथ फंक्शनल है। वहीं पर FA-50 की बात करें तो प्रोबर्ड रोक अरेंजमेंट जो है ऐसा कहा जा रहा है कि दी जाएगी, पर अभी तक टेस्ट होता हुआ दिखा नहीं है। फ्लाइंग बूम से डेफिनेटली हमने रिफ्यूलिंग होते हुए देखी है, जैसा कि दूसरे US प्लेटफॉर्म्स में होती है, पर ये इतना कॉमन नहीं है। यानी कि अगर फ्यूचर में कभी भी रॉयल मलेशियन एयरफोर्स एक एयर टू एयर रिफ्यूलर को परचेस करने का सोचती है तो कॉमनैलिटी होने की वजह से LC-13 के साथ इनको फ्यूचर में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन ये चीज़ FA-50 के साथ सही साबित नहीं होती। बाकी FA-50 और LC-13 में और भी कॉमनैलिटी है, कई इजरायली सिस्टम जो हैं वो दोनों एयरक्राफ्ट द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जिसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी है, और इजरायली सिस्टम से मलेशिया को परेशानी है तो यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर चीज़ों के लिए हमारे पास रिप्लेसमेंट पहले से मौजूद है, जैसे कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के लिए हम यहाँ पर एल्बिट सिस्टम के डैश की जगह फ्रेंच टॉप साइड को ऑफर कर सकते हैं। टारगेटिंग पॉड जो कि लाइटनिंग 3 है, इसराइल से आता है, इसकी जगह हम टेलियोस पॉड ऑफर कर सकते हैं जो अगेन फ्रेंच पॉड है। वेपन्स की बात करें तो जो पाइथन और डर्बी मिसाइल हैं इनके जगह हम ब्रिटिश एसरैम और अस्त्र मिसाइल ऑफर कर सकते हैं। बॉम्ब्स की बात करें तो कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि तेजस से जेडैम को लगाने की तैयारी जो है वो करी जा रही है, और ये सेम बॉम्ब जो है वो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के F-18 हॉर्नेट में भी लगते हैं। बाकी शॉर्ट रेंज के लिए R-73 मिसाइल भी LC-13 फायर कर सकता है, जो कि रशियन ओरिजिन की है और इनके Su-30 MKM से फायर होती है। तो LC-13 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने खुद के वेपन पैकेट के साथ तो आता ही है, साथ ही साथ रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की सर्विस में जो पहले से एयरक्राफ्ट हैं उनके वेपन्स को भी फायर कर सकता है, तो ये रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाएंगे। वहीं पर बात करें हम कोरियन FA-50 की, तो डेफिनेटली कोरियन FA-50 जो है वो काफ़ी अमेरिकन वेपन्स फायर करता है, जो कि कॉमनैलिटी देगा रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लेगेसी हॉर्नेट के साथ और एक हद तक Hawk 200 के साथ, लेकिन रशियन वेपन्स को वो हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि लॉकहीड मार्टिन का पूरा इन्वॉल्वमेंट है और अच्छा खासा कंट्रोल अमेरिकन्स का इस एयरक्राफ्ट पर है। वहीं पर LC-13 की बात करें तो चाहे रशियन वेपन हो, चाहे अमेरिकन वेपन हो, चाहे यूरोपियन वेपन हो, अगर यूज़र को इंटीग्रेशन चाहिए और जिस ओरिजिन के वेपन हैं उनको इससे कोई परेशानी नहीं है तो हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है LC-13 के लिए। बाकी ये बातें हैं ट्रम्प कार्ड पे जो कि HL की तरफ से खेला गया है। तो HL द्वारा इस पैकेज को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया गया है, जहां पर LC-13 के साथ अब Su-30 MKM की मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन और स्पेयर सप्लाई को भी ऑफर किया जा रहा है। तो Su-30 MKM जो है वो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स की बैकबोन माने जाते हैं और कज़न है Su-30 MKI के। दोनों में काफ़ी कॉमनैलिटी है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं, कंट्री के हिसाब से मॉडिफिकेशन किए गए हैं। तो Su-30 MKI के लिए हम स्पेशल वेपन पैकेज को डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अस्त्र सीरीज की मिसाइल हो गई, स्मार्ट बॉम्ब्स हो गए, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हो गए, ये सब शामिल है और ये LC-13 में भी लगेगा। यानी कि जो वेपन पैकेज LC-13 के साथ ऑफर होगा वो फ्यूचर में रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के Su-30 MKM में भी लगाया जा सकता है। और ये जो बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र सीरीज की मिसाइल बनाई गई हैं ये एक्चुअली रशियन ओरिजिन R-77 से थोड़ी बेटर हैं। उनके जो फ्यूचर वेरियंट्स हैं वो डेफिनेटली अच्छे आने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए जो मिसाइल Su-30 MKM के साथ सर्विस में है अस्त्र मार्कवन उससे बेटर है। बाकी मलेशिया द्वारा भी रशिया पर अपनी रिलायबिलिटी जो है वो कम करी जा रही है, इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बाद सैंक्शंस की जो तलवार है वो इन कंट्रीज पर लटक रही हैं जो कि रशिया से अपने वेपन्स को खरीदती हैं। तो मलेशिया जैसी कंट्री जो हैं वो अपनी डिपेंडेबिलिटी रशिया पर कम करना चाहती हैं, लेकिन फिलहाल के लिए वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इन रशियन एयरक्राफ्ट को वो किसी और एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर पाएं, और इंडिया यहाँ पर उनकी हेल्प कर सकता है। तो इंडिया ने जो ऑफ़र किया है वो एक्चुअली कोई और ऑफ़र नहीं कर सकता, हम यहाँ पर एक सुपीरियर एयरक्राफ्ट के साथ साथ सुपीरियर डील ऑफर कर रहे हैं। और ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि LC-13 शुरुआत से ही एज अ फाइटर डिज़ाइन किया गया था, वहीं पर जो FA-50 है उसको ट्रेनर एयरक्राफ्ट से कन्वर्ट किया गया है लिफ्ट प्लेटफॉर्म में। तो टेक्निकली LC-13 जो है वो इस कॉम्पिटिशन में अनबीटेबल है। लेकिन अब हम आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर पे, जिसकी चर्चा हमने पहले करी थी। तो पॉलिटिकली अगर हम मलेशिया का माहौल देखें तो थोड़े एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स वहाँ पर हैं, और ये पास्ट में हमने देखा भी है और आज भी नज़र आता है, पर अपनी इकोनॉमी के लिए उन्हें इंडिया पर डिपेंड भी रहना पड़ता है। तो अगर इंडिया से कोई फाइटर लिया जाता है या कोई मेजर डील करी जाती है तो हो सकता है वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्हें इंटरनली थोड़ा बैकलैश फेस करना पड़े।
तो पॉलिटिकल स्कोर को मेंटेन करने के लिए हो सकता है वो एलसी तेजस को अवॉइड करें। बाकी जो दूसरा फैक्टर है वो यहाँ पर अमेरिका है, क्योंकि F-50 में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अच्छा खासा है, तो हो सकता है अमेरिका को खुश करने के लिए भी उस एयरक्राफ्ट की तरफ मलेशिया का झुकाव हो। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इस कॉम्पिटिशन में एलसी तेजस को कुछ डिफीट कर सकता है तो वो मलेशिया की पॉलिटिक्स है। वरना जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया, मलेशिया के पास एक भी ऐसा रीज़न नहीं है जो उनको HAL के ऑफर को इग्नोर करने पर मजबूर करें। होपफुली हमारी साइड से यहाँ पर चीज़ें क्लियर हों। इसी बात पर हम इसे ख़त्म करेंगे। ओवर टू यू स्क्वाड, जय हिंद। उम्मीद है मलेशिया के इस पूरे प्रोग्राम से रिलेटेड कई सारी कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हुई होंगी और आपको ये भी जानने को मिला है कि भारत का प्राइड तेजस मलेशिया के लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्यों है। और जैसा कि अभी हाल ही में HAL ऑफिशियल्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि तेजस MK-1A को अगर मलेशिया बाय करता है, और केवल मलेशिया ही नहीं बल्कि और भी देश जैसे कि इजिप्ट, अर्जेंटीना, यानी कि जिन्होंने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है, तो जो भी इसको बाय करता है तो उनके लिए बाद में जाकर तेजस MK-2 और भारत के सबसे एडवांस AMCA फाइटर के ऑप्शंस भी ओपन रहेंगे। और बाकी सुखोई फाइटर्स की फ्लीट को मेंटेन करने वाला जो ऑफर HAL ने दिया है, तो इस ऑफर का जवाब अभी फिलहाल इस कॉम्पिटिशन में मौजूद बाकी किसी कॉम्पिटिटर के पास तो नहीं है। और इससे इस बात की संभावना और अधिक बढ़ जाती है कि भारत के प्राइड तेजस को जल्द ही अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। और बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को तो लाइक जरूर करें, लेकिन साथ ही साथ डिफेंस स्क्वाड और डिफेंस मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अगर इस तरह के कोलैबोरेशन आप भविष्य में और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और इन सबके अलावा कोई और अन्य सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन ओपन है। और जल्दी मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।